iOS 15.6 को रिलीज हुए कुछ टाइम हो गए और आप में से कुछ लोग जो है प्रॉब्लम भी फेस कर, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के लिए जो एक रिव्यू वीडियो बनाता हूं। कल की वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किया बैटरी ड्रेन परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी हेल्थ के बारे में, तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वालों की iOS 15.6 में क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। वैसे तो मेरे को आप लोगों को अब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 100 के हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जो भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। iOS 15.6 को जो मैंने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया था उसी टाइम पे और बहुत दिन से जो मैं यहां पे टेस्ट कर रहा हूं। तो पहली चीज जो मेरा रिव्यू है, जो मेरा फीडबैक है, मैं अपने iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 चार मेरे पास जो है यहाँ पे मेन डिवाइसेस है और मैं बोलूंगा कि न्यू डिवाइसेस बोल सकते हैं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेटेस्ट डिवाइसेस, तो यहाँ पे जो है इन फोन में मेरे को एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली, अच्छी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिली, बैटरी हेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो मेरे को देखने के लिए मिली है, तो मेरी तरफ से जो रिव्यू रहा है आफ्टर 3 to 4 days वो यही रिव्यू रहा है कि यहाँ पे 15.6 जो है एक बेटर अपडेट आया है। और मे बी ये 15.6 जो है लास्ट अपडेट भी हो सकता है या फिर सेकंड लास्ट अपडेट, क्योंकि हम लोग जो है जुलाई में, उसके बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा iOS 16, तो हम लोगों को जो है iOS 15.7 एक लास्ट अपडेट देखने के लिए मिल सकता है या फिर हो सकता है कि ये वाला अपडेट लास्ट अपडेट हो। और अगर ये वाला लास्ट अपडेट होगा भी तो ये बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट है मेरे हिसाब से, मेरे रिव्यू के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो है मेन फोन्स में रिव्यू इसको कर लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं पुराने फोन की, iPhone XR, iPhone X, iPhone 11, तो वहां पे जो है कुछ लोग मे भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फीचर्स वगैरह की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है यहाँ पे बैटरी हेल्थ ड्रॉप की और बैटरी ड्रेनिंग की। आप में से मैं कुछ लोगों के जो है कमेंट्स पढ़ रहा था कल की वीडियो में, तो ऐसी चीज जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को जो है आगे सजेस्ट भी करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों की जो है बैटरी हेल्थ 1-2% ड्रॉप हो गई है, बेसिकली जो है रिकैलिब्रेट होती है, अगर रिकैलिब्रेट नहीं हुई हुई चक हो गई आपके अपडेट में, तो जो नया अपडेट आता है वो उसको रिकैलिब्रेट करके जो है वापस ठीक कर देता है, मतलब जो एक्चुअल कंडीशन आपकी बैटरी हेल्थ की। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट खराब नहीं होता, सॉफ्टवेयर अपडेट आपकी फोन की इंप्रूवमेंट के लिए ही होता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा करना चाहिए। और वैसे भी 15.6 में बहुत सारे बग फिक्सेस और सिक्योरिटी अपडेट है, तो आप लोगों को मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है यहाँ पे बैटरी ड्रेन की। नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम यहाँ पे जो है इशू फेस कर रहे हैं कि बैटरी ड्रेन हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मिक्स रिव्यू है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बैटरी लाइफ यहाँ पे इंप्रूव हुई है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे जो है देखने के लिए मिली है अपने सभी iPhones में। तो जितने भी लोगों के पास यहाँ पे नए iPhone है उनको मैं यही बोलूंगा कि बैटरी जो है इंप्रूव ही हुई है। अगर नहीं हुई आप लोगों के हिसाब से प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आप लोगों को जो उसका सोल्यूशन भी आगे बताऊंगा। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे ओवरहीटिंग। कुछ लोग जो है यहाँ पे फील कर रहे हैं ओवरहीट करना, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से, मेरे रिव्यू के हिसाब से जो है यहाँ पे फोन कूल रह रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग को ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में हो, जहां पे आपके फोन जो है डायरेक्ट हीट में एक्सपोज हो रहा है, तो आपको जो है उससे अपने फोन को बचाना चाहिए, एक मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को होगा। वैसे जो है 15.6 बहुत ज्यादा अच्छा है और मैंने गेमिंग वगैरह भी करी है लास्ट 2-3 days में, तो मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। चार्जिंग के टाइम पे फोन ओवरहीट हो सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मल यूज में जो है फोन ओवरहीट नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं iPhone 12 से लेकर iPhone 13 Pro Max तक की। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो लोगों को आई है, तो वो ये थे कि ऐप जो है किल नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ लोगों के ऐप्स जो है वो ऑटोमेटिकली किल हो रहे थे, तो ये जो है छोटे मोटे बग्स है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जो कोई भी आप लोगों को यहाँ पे बग या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, उसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग या तो आपके जितने भी ऐप्स हैं उनको अपडेट कर लो प्रॉपरली और अपने फोन को फिर से रीस्टार्ट करो, या फिर आप लोग जो है कंप्लीटली रीइंस्टॉल कर सकते हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लीन इंस्टॉल कर सकते हो, सब कुछ हटा के अपने फोन में क्लीन इंस्टॉल कर लो इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ये जो है मेन सॉफ्टवेयर रहने वाला है। उसके बाद मे बी 15.7 या फिर डायरेक्ट iOS 16 आ जाए, तो ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वाला जो है बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट लगा मेरे को, मतलब मेरे को जो है फोन बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। मैं बात करूं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, फोन स्मूथ है, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बेटर हो गया। एप्स मेन मैसेंजर्स व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जो है बहुत ज्यादा इजिली खुल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा अच्छा आया मेरे हिसाब से। बाकी जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है क्लीन इंस्टॉल कर लो, या फिर जो भी आपके एप्स हैं उनको वापस से प्रॉपरली इंस्टॉल करके जो है रीस्टार्ट कर लो अपने डिवाइस को, आपकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आज की लास्ट चीज ये रहने वाली है कि क्या आप लोगों को iOS 15.6 डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो मेरा आंसर है बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन बता दिया। इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ बग फिक्सेस हैं, तो अपडेट जो है ये डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 15.6 जो है वैसे भी मे बी लास्ट अपडेट हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो बेटर है कि लास्ट अपडेट को डाउनलोड कर लो या फिर 15.7 के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि यहां पे जो है आप लोगों को छोटा सा अपडेट देखने के लिए मिलता है 500-600 MB का, तो इसको इंस्टॉल करना ही बेटर है आप लोगों के लिए। और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को जो है बता दिया, तो इसको जो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। बस इतनी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।